नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को दूसरे दिन ईडी दफ्तर में अफसरों के सामने पेश हुए। सोमवार को अफसरों ने राहुल गांधी से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। सोमवार की तरह राहुल गांधी के साथ आज भी कांग्रेस के नेता साथ चलने की कोशिश में थे। हालांकि राहुल के साथ सिर्फ प्रियंका गांधी ईडी दफ्तर तक आईं और छोड़कर लौट गईं। इस दौरान पुलिस ने हंगामा कर रहे नेताओं को हिरासत में लिया। कांग्रेस कार्यालय के बाहर हंगामा होने के चलते प्रशासन ने यहां धारा 144 लागू कर दी थी। ऐसे में नारेबाजी कर रहे नेताओं को पुलिस ने बसों में डालकर वहां से हटा दिया है। We are protesting against the misuse of the law. If the ED follows the law, we have no problem. But the ED is not following the law. This is the PMLA Act. Now this creates the offense of money laundering. So we are asking two or three simple questions. One, what is the scheduled offense? There is no answer. Which police agency has registered an FIR? There is no answer. Give us a copy of the FIR. There is no answer. So in the absence of a scheduled offense, in the absence of a police agency registering an FIR and giving us a copy of the FIR, where is the question of ED investigating under the PMLA? This very simple questions, if there's no answer, obviously they are not following the law. And in a democracy, we are entitled to protest. Is there any BJP leader against whom the ED has registered a case in the last 4 or 5 years? Is there any BJP ruled state, like for example, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Karnataka, where the ED has registered a case? This law applies to the whole of India. Why does it apply only to opposition states? हिरासत में लिए गए नेताओं में रणदीप सुरजेवाला, हरीश रावत, केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, रंजीत रंजन, इमरान प्रतापगढ़ी शामिल हैं। इसके अलावा कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अकबर रोड से हिरासत में लिया और बदरपुर थाने भेज दिया। सोमवार को हुए प्रदर्शन के दौरान भी करीब 1000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिन्हें देर रात छोड़ दिया गया था। इतना बड़ा दबाव झेलना पड़ रहा होगा दिल्ली से या गवर्नमेंट से, कोई कल्पना नहीं कर सकता। 15 लोगों को ये तो कोई आते मैंने कभी देखा नहीं। कानून अपना काम करे, 144 लगाइए तो आप अरेस्ट कर लीजिए, परंतु आप अगर AICC में आने के रोक सकते हैं, तो ये हालात है देख रहे हैं आप। डेमोक्रेसी की हत्या ही हो रही है आप समझ लो देश के अंदर। ये देशवासियों को समझना पड़ेगा, खाली धर्म के नाम पर राजनीति कब तक करते जाओगे? हालात बड़े गंभीर है देश के, पूरे देश में गांव तक में तनाव हो गया है, समझ नहीं पा रहे सरकार। कस्बों में तनाव हो गया है, चाहे रामनवमी हो और चाहे वो शुक्रवार की नमाज हो। प्रशासन की सख्ती के दौरान कांग्रेस के कई नेताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी पुलिस की तीखी नोकझोंक हुई। हंगामा करने वालों में दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी का भी नाम है। वे गोली मारो मुझे कहते सुने गए। आदरणीय मित्र, इसे बोलते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इस देश में 50 साल की सबसे भयंकर बेरोजगारी है। 75 साल में सबसे निचले पायदान पर रुपया गिरकर अब 78 रुपया 28 पैसे टुए डॉलर हो गया है। इस देश में 28 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। इस देश में प्रजातंत्र और संविधान को बुलडोजर के नीचे रोन दिया गया है। अब ट्विटर खेलकर प्रधानमंत्री कितनी देर तक हम सबको भटकाएंगे।